दोस्तों, अगर आपने नींबू का पौधा लगाया है और उसमें जो फूल हैं वो फल में कन्वर्ट नहीं हो रहे हैं, क्योंकि कई लोग प्रश्न पूछते हैं कि जो हमारे फूल तो बहुत आते हैं लेकिन वो जो है फल नहीं बनते हैं, फूल झड़ जाते हैं, तो आज मैं आपको जो ये चीज़ दिखा रहा हूँ, ये चीज़ आप यूज करोगे अपने नींबू के पौधे में तो आपके नींबू के पौधे में अच्छी जो है फल अच्छे बनने लग जाएंगे और फूल जितने भी आएंगे वो सब फल में कन्वर्ट होंगे, कोई भी फूल गिरेगा नहीं। तो आप अगर आप मेरे वीडियो में नए जुड़े हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक और शेयर ज़रूर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे कि जो आने वाली वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आप तक जल्द पहुंच सके। तो उससे पहले मैं आपको नींबू के पौधे के बारे में एक चीज़ बताऊँगा, जिसकी वजह से आप जो नींबू के पौधा अगर नर्सरी से ला रहे हैं तो उसको कैसे किस पॉट में लगाना है और किस तरीके से उसकी ग्रोथ बढ़ानी है। दोस्तों, नींबू का पौधा जो है इस समय जो अगर बरसात के समय अगर इसमें अच्छी केयर की जाए तो इसमें फल फ्रूटिंग अच्छी ले सकते हैं आप। ये देखिए मेरे जो पौधा है, मैंने जो है नर्सरी से लाकर ग्रो करा था, इसमें देखिए कितनी अच्छी ग्रोथ हो रही है और इसमें सब फूल जो है फल में कन्वर्ट हो रहे हैं। ये देखिए कुछ जो नींबू हैं, ये देखिए यहाँ ये थोड़े से बड़े साइज के भी लगे हैं, ये देखिए, और पौधा जो है अच्छी ग्रोथ कर रहा है। ये जो मैंने जो पौधा लगाया है ये देखिए किस चीज़ में लगाया है, 20 लीटर की बाल्टी है इसमें लगा रखा। ये मैं मेरे पौधे को करीब 4 साल हो गए हैं और इसमें मैंने 3 बार इसमें हार्वेस्टिंग कर भी ली है, और इसमें पहले भी मैंने नींबू के पौधे से केयर से संबंधित वीडियो बनाए हैं। अगर आपको कोई नींबू के पौधे से संबंधित वीडियो देखने हैं तो आप मेरे चैनल में जाकर देख सकते हैं। दोस्तों, बरसात के समय जो है नींबू का पौधा है इसमें पानी की मात्रा ज़्यादा हो जाती है, जिससे कि जो फूल है वो सब गिर जाते हैं। तो आप पौधे को ऐसी जगह पर रखिए जहाँ पर को बारिश का पानी ज़्यादा ना गिरे, और अगर बारिश 2-3 दिन लगातार होगी तो इसमें जो है पानी रुकेगा। तो आप इसके लिए जो मिट्टी बनाते हैं तो मिट्टी बहुत पोरस बनाइए, जिससे जिसमें पानी रुके ना। इसकी पॉटिंग सॉइल बहुत अच्छी होनी चाहिए, जिस जो ड्रेनेज होल से जिसमें पानी निकल जाए। तो सबसे पहले तो एक काम ये करेंगे, अगर आपका पौधे में आपने ये सब काम कर लिए हैं और पौधा तब भी अच्छी ग्रोथ नहीं कर रहा है, तो सबसे पहले आप देखिए जो इसमें जितनी खरपतवार लगी हैं, जितने भी इसमें एक्स्ट्रा प्लांट लगे हैं, इनको सब निकाल दीजिए। इस तरीके से आप इसको इसकी मिट्टी देखिए कितनी बढ़िया बनी है, बिल्कुल पोरस मिट्टी, और इसमें मॉइस्चर थोड़ी बहुत मात्रा में है। ये पौधा मेरा होने को तो बारिश में ही रहता है, लेकिन जो इसकी मिट्टी बनी है उसकी वजह से इसमें पानी रुकता नहीं है, मिट्टी जो है बिल्कुल अच्छी बनी है, पोरस मिट्टी। अगर आपको कोई भी पौधे के लिए पॉटिंग मिक्स बनाना देखना है किस तरीके से बनाई जाए तो आप मेरे चैनल में जाकर देख सकते हैं। दोस्तों, जो मैं अपने प्लांट में जो काम करता हूँ वही मैं वीडियो में बताता हूँ, जिसकी वजह से कई लोग कमेंट करते हैं कि आप कुछ भी बता देते हैं कि ऐसी पॉटिंग मिक्स बनाइए, ऐसा कुछ नहीं है। जो मैं यूज़ करता हूँ वही चीज़ बताता हूँ, और अगर आप उस चीज़ को यूज करेंगे तो आपके भी पौधे में अच्छी ग्रोथ होगी। और ज़्यादा महंगी चीज़ नहीं बताता हूँ, आप बाज़ार से कोकोपीट लाइए या कहीं से कुछ बोन मील ले आइए या कुछ ले आइए, ऐसा कुछ नहीं है। आप केवल गोबर की खाद भी होगी तो आपके पास, उससे भी अच्छी ग्रोथ हो जाती है पौधे की। तो आप इस तरीके से जो है इसकी मिट्टी ऊपर की निकाल दीजिए, कम से कम 2-3 इंच की मिट्टी निकाल दीजिए। इस समय अगर आपको पौधे की अच्छी ग्रोथ चाहिए और उसमें फ्रूटिंग अच्छी चाहिए, तो जब भी आपके जो फूल आने लग जाते हैं तो उसमें जो है पानी की मात्रा बहुत कम करिए आप पौधे में, तो आपके फूल टिके रहेंगे। ये देखिए, ये जो है किचन वेस्ट से तैयार खाद है, इसमें थोड़ी सी मैंने गोबर खाद भी मिला दी है, और आप भी अगर किचन वेस्ट से तैयार करते हैं खाद तो आप वो भी यूज कर सकते हैं इसमें। और अगर आप गोबर की खाद यूज करना चाहते हैं तो फुली डिकम्पोज होनी चाहिए, क्योंकि अगर फुली डिकम्पोज नहीं होगी गोबर की खाद तो इसमें जो है फंगस आने का डर रहता है, क्योंकि वो जो है मीथेन गैस छोड़ती है अगर कच्ची गोबर की खाद लोगे आप। तो इस प्रकार से आप किचन वेस्ट से तैयार खाद या गोबर की खाद ले लीजिए, और इसमें 2-3 इंच की जो लेयर आपने मिट्टी की निकाल ली थी वो इससे भर दीजिए। इस तरीके से आप इसमें जो है गोबर की खाद डाल दीजिए, और उससे पहले जब आपने पौधा जब लिया था उस समय जो लगाया था तो वो पॉटिंग मिक्स आपने जो यूज करी थी इसमें, उसमें भी गोबर की खाद मिलाएंगे तो पौधा अच्छी ग्रोथ करेगा। इस तरीके से आप देखिए जैसे फूल इसमें बहुत अच्छी मात्रा में आ रहे हैं, और कई जो हैं कई ब्रांचेस इसमें फल भी अच्छे आ रहे हैं, और कुछ फल तो बड़े भी हो गए हैं देखिए।
तो और कुछ लोग फलों की मैंने हार्वेस्टिंग कर दी है। तो इस तरीके से आप अगर इसमें यूज करेंगे गोबर की खाद, केवल गोबर की खाद से भी आपका पौधा अच्छा चलेगा। लेकिन दोस्तों, अगर आपने जो है पौधे में खाद भी अच्छी दे रखी और धूप में भी रहता है और जो इसमें खाद भी अच्छी दे रखी, उसके बाद भी अगर आपके जो फल नहीं बनते हैं, इसमें फूल जो हैं गिरते रहते हैं, तो आज मैं आपको एक चीज़ दिखाऊंगा जिससे कि आपके पौधे में जितने फूल बनेंगे वो सब फल में कन्वर्ट होंगे। ये देखिए, ये चीज़ है वो, इस चीज़ को आप यूज़ करेंगे, किस तरीके से यूज करना है वो भी मैं आपको बताऊंगा इस चीज़ को। ये है शहद, शहद का यूज करेंगे आप इस तरीके से। ये देखिए, थोड़ा सा शहद लेंगे आप अपने उंगली में, शहद लगाएंगे और इसके जो फूल खिले हैं उनके हल्के हल्के उनके साइड के पत्तों में हल्का हल्का कहीं पर को लगा देंगे। जहाँ जहाँ फूल खिले हैं, जहाँ पत्ते हैं साइड में, आप उनके नीचे हल्का हल्का इसको लगा सकते हैं। तो इस तरीके से आप शहद का यूज करेंगे तो आपके जो पौधे में पॉलिनेशन स्टार्ट हो जाएगा और आपके जितने फूल हैं वो फल में कन्वर्ट हो जाएंगे। अगर ये पौधा आपका धूप में नहीं है तो इसको आप 6-7 घंटे की धूप ज़रूर दिखाएं, जिससे कि इसमें फल बनने स्टार्ट हो जाएंगे, क्योंकि जो फल वाले पौधे होते हैं उनको धूप की बहुत ज़रूरत होती है। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताएं। धन्यवाद।